अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद होगी अल्लाह पाक की करम से तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेब बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से कि TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए हैं, जिसमें उन्होंने यही मंशूर है कि जितने भी गिरफ्तार थे TLP के अफराद उनको रिहा किया जाएगा फौरन, और ये मामला असम्बली में उठाया जाएगा और असम्बली में पार्लियामेंट में पता चलेगा कि ये मामला के सफ़ीर को निकाला जाए या नहीं जाए। तो ये मामला अभी भी तय पाया है, TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तय पाए हैं, और TLP का यही मंशूर था कि एक मंशूर था कि हमारे अफराद तमाम मेंबर्स जो जितने भी हमारे कारकुन हैं तमाम को रिहा किया जाए, और हुकूमत का मंशूर था कि धरना फौरी ख़त्म किया जाए, उन्होंने फौरी ख़त्म कर दिया है। और दूसरा इनका मंशूर था कि ये मामला असम्बली में उठाया जाए और असम्बली में जितने भी अफराद इत्तफाक़ के राय देंगे कि सफ़ीर को निकाला जाए या नहीं, तो उसी बात पर यह होगा। तो हुकूमत का ये मंशूर था तो धरना भी ख़त्म कर दिया गया, और ये TLP का मंशूर भी माना गया कि असम्बली में मामला ये उठाया जाएगा। तो जो भी इन पर दहशतगर्दी का जो भी मुकदमा उठाया पहले लगाया गया था वो ख़त्म कर दिया गया। तो अभी भी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि TLP और हुकूमत के दरमियान आगे इसी तरह के मसले नहीं होंगे, इंशाल्लाह इत्तफाक से रहेंगे और उम्मीद होगी हुकूमत भी इस पर ज़रूर अमल करेगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है हमारे मुल्क को अल्लाह पाक नज़रे पस से बचाए, आमीन। उम्मीद होगी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में दोबारा छोटे से रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।